जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद उनसे जुड़ी कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। इन्हीं खबरों में से एक खबर ऐसी है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज के पीछे का रहस्य क्या है, ये दुनिया के लिए हमेशा से उत्सुकता का विषय रहा है। इसके बारे में एक बार ये भी खबर आई थी कि अमेरिका ने लता मंगेशकर जी का गला खरीद लिया है, जो उनके मरने के बाद उनके गले पर रिसर्च करेंगी कि आखिर उनके गले में ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से उनकी आवाज इतनी सुरीली निकलती है। दरअसल एक अमेरिकन साइंटिस्ट चाहता था कि जब भी लता मंगेशकर जी का निधन हो तो उनके निधन के बाद वो उनके गले पर रिसर्च कर सके कि आखिर कोई इंसान इतनी मीठी आवाज में गाना कैसे गा सकता है। और खबर ये भी आई थी कि इसी वजह से अमेरिकन सरकार लता मंगेशकर के निधन के बाद उनका गला खरीदना चाहती है। लेकिन साथ ही ये भी खबर थी कि लता मंगेशकर के गले को बेचने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई। सालों पहले इसी तरह एक और खबर आई थी कि पाकिस्तान की ये डिमांड है कि पूरा कश्मीर हमसे ले लो, लेकिन लता मंगेशकर हमें दे दो। लता मंगेशकर जी की आवाज के दीवाने पाकिस्तान में भी बहुत हैं। अपनी सुरीली और दिल में उतर जाने वाली आवाज से लता मंगेशकर जी ने श्रोताओं के दिल में जो प्यार और जगह बनाया वो हर किसी के लिए आसान नहीं है। लग जा।